हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विलेज एरिया फिश फार्मिंग। जैसा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं, जो मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जो सिंगी मछली थी, उसका ये पार्ट टू है। पार्ट वन जो है पहले से अपलोड है, वीडियो जो है चैनल पे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी जो है हम लोग तालाब में बैठे हैं, और जो कल का वीडियो था जो नाव बनाए थे हम लोग देसी जुगाड़ से, उसी पे बैठ के ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और हवा थोड़ा सा ज़्यादा बह रही है, तो हम सोचे तब भी जो है आपको ये वीडियो बना के दिखाया जाए। तो चलिए बिना देरी के जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये माइक हमने इसलिए पकड़ा है, यहाँ से हवा बहुत तेज़ बह रही है और जो है आवाज़ कर रहा था, इसलिए हम लोग ऐसे पकड़ते हैं। तो जो सिंगी मछली होती है, इसके बारे में हमने पहले बता दिया था, उसका तालाब प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, उसको कैसे रख रखाव करेंगे। आज उस पर जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर इसको क्या फीडिंग में दिया जाए जो कि बहुत सस्ता हो और अच्छा हो। फीडिंग में आप, क्योंकि ये हाई वैल्यू फिश है, तो ये 100 से 200 ग्राम जाने के बाद जो है इसका वैल्यू जो है प्राइस जो है काफ़ी जो है महंगा ये बिकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको जो है फ्लोटिंग फीड दे सकते हैं आप। लेकिन अगर जिसके पास वो भी नहीं हो पाता, जैसे पैसा नहीं है, तो उसके लिए एक सस्ता जुगाड़ है, जैसे कि जो IMC को हम लोग देते हैं सिंकिंग फीड, उसमें थोड़ा सा बदल करके इसको दिया जा सकता है। क्योंकि ये कैट फिश में आती है, इसके शरीर पे आप लोग देखे होंगे सल्क नहीं होता है, और ये इसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिससे इसमें फंगल इन्फेक्शन जो है आता नहीं इतना जल्दी। तो हम इसका फीडिंग के बात करते हैं, ठीक। तो जो है इसको सिंकिंग फीड से भी जो है हम लोग पाल सकते हैं बिल्कुल आराम से, और इसको बनाने का हम आज प्रोसेस बताने वाले हैं। जो इसमें आप IMC को जो है सरसों की खल देते हैं, राइस ब्रॉन देते हैं, और इसके साथ आप इनमें जो है दो तीन चीज़ और ऐड कर दीजिएगा। जैसे सरसों की खल देते हैं और ये राइस ब्रॉन देते हैं, तो उसमें एक इंक्लूड और कर लीजिएगा सोयाबीन की खल, और एक चीज़ जो होता है नमक, उसको यूज करना है इसमें। और एक जो है अगर मिल सके तो प्रोटीन का जो है एक पैकेट मिलता है, जो भाई लोग जो टैंक में बायोफ्लॉग में कल्चर करते हैं उनके पास रहता है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप मिक्स कर लीजिए, नमक थोड़ा सा जैसे उसको टेस्ट अच्छा लगने के लिए दिया जाता है, और उसको सब जो है उसको मिक्स करके पानी में मिला करके इसका लड्डू बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही तालाब में फेंक दीजिए, इसका लड्डू बनाइए, और तालाब में जो है एक तसले के माध्यम से, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप उस लड्डू को उस तसले में रखिए, और बिल्कुल उसी में जो है एक थोड़ी सी डोरी बांध दीजिए, और उसको जो है तालाब में खिसका दीजिए, और वो लड्डू उसी तसले में पड़ा रहेगा, वो मछली आएगी और खाएगी आराम से। और इन मछलियों का जो है आप देखेंगे ये रात में खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, और दिन में ये खाना नहीं पसंद करती हैं, क्योंकि ये हमेशा जब चलती हैं तो झुंड में ही चलती हैं। और सिंगी मछलियों में जो है डंक होते हैं, और इनको पकड़ने के लिए कई जगह पे जो है एक्सपर्ट भी होते हैं जो पकड़ते हैं, क्योंकि अगर जिसको नहीं पकड़ना आता तो उसको मार देंगे तो ये बुखार भी हो सकता है, और आदमी को बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है। तो उस कारणवश जो है इसको बहुत सेफ्टी से पकड़ा जाता है। और ये मछली जो है अक्सर जो है कीचड़ में रहती है, और ये एकदम बॉटम फीडर है, इसका खाने का जो कल्चर होता है ये ऊपर भी आके खाना खाती है, नीचे भी रहते हुए खाना अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो कई लोगों का कमेंट था कि सर इसको खाने के लिए जो है क्या किया जाए, तो हम इसमें आज बता दिए वीडियो में, जो है आप सरसों की खल ले लीजिए, राइस ब्रॉन ले लीजिए, और सोयाबीन की खल ले लीजिए, और हल्का सा नमक, थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है अच्छा रखने के लिए आप ये सब मिला करके उसको लड्डू बना करके तसले में रख के आप ऐसे ही तालाब में दे दीजिए। मैं इसलिए तसले में कह रहा हूँ देने के लिए, अगर मान लो हमको अगर देखना है कि हमारी मछलियाँ पूरे खाना खाई हैं या नहीं खाई हैं, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? अगर जब तसले में, तो उससे ही जो है तसला जो है फीस करके जब निकालेंगे तो देखेंगे अगर फीड बचा रहेगा तो उससे वो पता चलेगा कि हाँ मछलियाँ खाना नहीं खाई हैं, और खाए रहेंगी तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें भोजन रहेगा नहीं। अब आगे चलते हैं, एक सीक्रेट इसका और भी है, जो हमको कई बार कमेंट किया गया है कि सर ये जो है 300 ग्राम तक नहीं होती हैं, 400 ग्राम तक, 500 ग्राम तक नहीं होती। दरअसल ये बात है, इसका 100 ग्राम 50 ग्राम पे ही इसका जो है रेट जो है इतना हाई मिलने लगता है, सब लोग वैसे ही हार्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट में मछली का इसका पालन कर रहे हैं,
तो मैक्सिमम आप इसमें जो है 5000 बच्चे आप इसको स्टॉक कर सकते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने ये नहीं बताया था। तो आप जो है 1000 स्क्वायर फीट का अगर तालाब है वो आप 5000 मछली के बच्चे जो है स्टॉक कीजिए, क्योंकि ये मछली जो है हमको 1 केजी तक ले के जाना नहीं है। तो 1 केजी ले के जाते तो जो है 1000 बच्चा जो है हम लोग स्टॉक करते, लेकिन ये 100 ग्राम पे ही जब सेल आउट हो जा रही है तो उस लिए जो है उसका स्पेस जो है 100 ग्राम पे हार्वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए स्पेस उसका वैकेंट रहता है। तो इसलिए आप 1000 स्क्वायर फीट में 5000 मछली के बच्चे आराम से एकदम डाल सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसको। और ये जो है इसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उसके लिए आप कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, तब भी आप अपना तालाब और पानी का पीएच लेवल ये सब अच्छे से मेंटेन करेंगे, जितना अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छे से ग्रोथ करेगी, क्योंकि ये जो है बहुत स्लो ग्रोथ करती है और ये जो है हमेशा मार्केट में हाई वैल्यू क्रिएट किए रहती है। कितना भी कम में जाएगा आपके यहाँ से 300 रुपये केजी से कम अगर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा सब लोग देते हैं और बहुत खाने में टेस्टी भी होती है। तो दोस्तों इसकी हमेशा जो है डिमांड बनी रहती है मार्केट में। और अगर आप 1000 स्क्वायर फीट में आप बात करेंगे कितना प्रॉफिट निकल के आपको मिलेगा, तो लमसम जो है 40 से 45 हज़ार रुपये आप प्रॉफिट 1000 स्क्वायर फीट में 8 से 10 महीने में आप कमा सकते हैं। और जैसा कि अगर आपके पास थोड़ी सी बड़ी जगह जैसे 10000 स्क्वायर फीट में है तो आप इसका अच्छे से पालन कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जो है इसके ज़रिए जो है गेन कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें जो है चोरी के होने का भी थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि ये हाई वैल्यू फिश है और टेस्टी भी होती है। तो इस वजह से जो है इसको सब लोग सोचते हैं कि जो है थोड़ा बहुत चुरा लिया जाए, तो उसके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप जो बाउंड्री बनाते हैं इसका जाल का, वो आप जाल ज़रूर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जो भी कुछ छूटा हो तो आप हमसे कमेंट में जो है उस क्वेश्चन को बिल्कुल पूछ सकते हैं और आपकी पूरी हेल्प हम करेंगे। कृपया जो भाई नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी किसानों का इससे जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो लेके, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।